الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام شعبان المعظم کی 21 تاریخ 1443 ہجری ہے انگریزی شمسی کیلنڈر کے حساب سے 25 مارچ 2022 ہے آج کے جمعہ بیان کی اہم جھلکیاں اور اہم عنوانات یہ ہیں کائنات کا نظام اللہ جو چلاتے ہیں وہ مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے غیر قوم جو مسلمان نہیں ہیں وہ کچھ بھی کرے اس پر کوئی نظام مرتب نہیں ہوتا جو بچے اسکول میں داخل ہیں وہ اچھے ہیں ٹیچر کی بات مانتے ہیں پرنسپل کی بات مانتے ہیں مطیع فرما بردار ہیں تو مینجمنٹ کمیٹی ان کو سہولیات دیتی ہے پنکھا لگایا اے سی لگایا کھیلنے کے لیے گراؤنڈ دیا جو بچے اسکول اور کالج میں ایڈمیشن لیے ہوئے نہیں ہیں وہ ننگے ناچیں وہ صبح سے شام تک کرکٹ کھیلیں لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو اس سے اسکول کے سسٹم کو کوئی لینا دینا نہیں اسلام کی اسکول میں مسلمانوں نے داخلہ لیا ہے اب یہ حلال یہ حرام یہ داڑھی یہ نماز یہ روزہ یہ پردہ یہ زکات یہ عمرہ ان کو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے ان کی وجہ سے دنیا کے سسٹم میں کوئی مداخلت نہیں ہے مدرسے میں بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے اب جھبا کیا شرعی کیا ٹوپی کیا فجر پڑھے نہیں پڑھے تاجد پڑھے نہیں پڑھے وہ چڈی انڈر ویئر پہن کر تالاب میں غوطہ لگائے
गंदे पानी के नाले के अंदर उतर जाए, एडमिशन नहीं है उसका। अल्लाह तबारक ताला गैर मुस्लिमों को दुनिया में बहुत दे देते हैं, हुकूमत देते हैं, सल्तनत देते हैं, माल देते हैं, दौलत देते हैं। अल्लाह ने कहा अगर मुसलमान कम इल्मी का शिकार ना हो तो हम उनको सोने और चांदियों की सीढ़ियां देंगे और भी नवाजेंगे। अब मुसलमान कहेंगे क्या साहब, हम नमाज पढ़कर रोजा रखकर कम है हमारे पास और उनके पास दुनिया भर का है। अल्लाह ने कहा कि अगर ये शुबा ना करते, और उसका कोई हिसाब नहीं है। आज हम मुसलमान ये समझता है कि खैरियत के माने ये हैं, कारखाना अच्छा चल रहा हो, दुकान अच्छी चल रही हो, 500 हजार 2000 के नोट अच्छे चल रहे हों, मुसलमानों ने इसको खैरियत समझ लिया है। ये खैरियत फिरौन के पास भी थी, ये खैरियत हारून के पास, कारून के पास भी थी, शद्दाद के पास भी थी, अबू लहब के पास थी, अबू जहल के पास थी, शीबा के पास थी, उतबा के पास थी। ये खैरियत नहीं है खैरियत। खैरियत मुसलमानों की वो खैरियत है, फजर की नमाज मिली, तहज्जुद की नमाज मिली, आज हमने इतना सस्ता किया, इतना खैरात किया, इतना मस्जिद को दिया, इतना, ये हमारी खैरियत है। क्या किसी से पूछे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम खैरियत, क्या मौलाना साहब क्या खैरियत सुनाए, कारखाना अच्छी तरह चलकर 6 महीने हो गए, चले ना चले मां के पेट में अल्लाह ने रोजी लिख दी है, हमारा ईमान है। एक दाना 7 जमीन 7 आसमान की ताकत और कुव्वत मिलकर एक दाना ना छीन सकती है, ना एक दाना हमारे रिस्क में इजाफा कर, ये सोच ले। अब लॉकडाउन के अंदर कितने कारखाने बंद रहे, दुकान बंद रहे, आमदनी का सिस्टम कब क्या हुआ, लोग मर गए। अल्लाह ने जो दिया है वो देकर रहेगा। अल्लाह ने दुनिया को दारुल अज़बाब बनाया है, गर्मी समंदर पर पड़ती है, पानी के बुखारे आसमान की तरफ जाते हैं, आसमान के करीब टेम्परेचर -30 डिग्री होता है। ये हवाई जहाज 33,000-40,000 फीट पर जो उड़ते हैं, अंदर ऑक्सीजन रहता है उसमें, वरना बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री, फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है जहां बर्फ जमता है, उतनी ठंडी 30,000-33,000 फीट के वो ऑक्सीजन रहता है, उससे आदमी बचा हुआ रहता है। तो ये बुखारे पानी के जब ऊपर जाते हैं, बादल बनते हैं, अल्लाह तबारक ताला जहां चलाना चाहे उसको चलाते हैं और जहां बरसाना चाहे बरसाते हैं। वल मुरसलाति उर्फा वल आसिफाति असफा वल फारिगाति, ये सब अल्लाह ने कहा, ऐसे चलते हैं। एक एक कतरा अल्लाह के हुक्म के बगैर जमीन पर नहीं आ सकता। जमीन के अंदर खेती बाड़ी की फसल लगाया, कुरान कहता है अंतुम तज़नऊनहु अम नहनु ज़ारियून, खेती बाड़ी तुम करते हो या हम करते हैं, अंतुम तख़लुकूनहु अम नहनु ख़ालिकून, शादी कर बच्चा तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं। अल्लाह ने दुनिया के निजाम और दुनिया के सिस्टम को अज़बाब के तहत रखा है, और ये अज़बाब के अंदर दखल अंदाजी सिर्फ मुसलमानों की है। अल्लाह की कॉलेज, अल्लाह की यूनिवर्सिटी और अल्लाह की क्लास, अल्लाह की जमातों में एडमिशन, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, मुसलमान ही हैं।
शिर्क करे, कुफर करे, जिना करे, बदकारी करे, गैर मुस्लिम, सिस्टम पर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। एक बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, पैसेंजर मुसाफिर जो भी करें कुछ भी असरअंदाज होने का नहीं। वो सीट पकड़कर रोक लें या पीछे की तरफ धक्का दें, ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है वैसे ही गाड़ी जाएगी। इसके धक्का देने से, इसके सतत पकड़ लेने से ब्रेक नहीं लगता, आगे नहीं बढ़ती, पीछे नहीं आती। इस निजामे कायनात का ड्राइवर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इनके आमाल सही रहेंगे, निजामे कायनात सही रहेगा। सईदुना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला सुफा चबूतरे के तलबा के मॉनिटर हैं, सैकड़ों हजारों हदीसों के हाफिज हैं। एक एक मरतबा ऐसा होता था पकड़ो पापा के हजरत सड़क पर आकर गिर जाते बेहोश होकर। सहाबा ये समझते कि इनको मिर्गी की कब्बे की बीमारी है, और उस जमाने के अंदर मिर्गी की बीमारी आती तो गर्दन पर पैर रखकर लगड़ते, जैसे आज लोहा देते हैं, हाथ में चाबी देते हैं। बहुत भूख सताई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा भूख सता रही है, आपने दुआ की, दूध तोहफे के अंदर आया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लबे मुबारक को लगाया और दहनी तरफ से तकसीम फरमाई। कोई चीज देना हो तो राइट साइड से देना शुरू करें, ये सुन्नत है। उन्होंने पिया, उन्होंने पिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का नंबर लास्ट में था, फरमाने लगे इतना सा दूध है ये मेरी भूख और मेरी प्यास को नहीं मिटा सकता। अब इतने सारे सहाबा को, शागिर्दों को, सुफा चबूतरे के तलबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दे दिया, मेरा क्या होगा। और जब पीते तालिबे इल्म सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और पियो और पियो, फरमाते मेरे पेट में मरोड़ होता पहले ही कम है, और आका तो आलम सल्लम फरमा रहे हैं और पियो और पियो। बाद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में प्याला आया, जब शुरू में जितना दूध था उतना ही दूध उसमें बाकी था। अबू हुरैरा मैं आपकी हालत समझता हूं, अब खूब छक्कर पियो, आराम से पियो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने पिया और बहुत सैराब होकर पीने के बाद भी इतना दूध बाकी रह गया जब शुरू में आया था। एक हालत ये थी, दो चार घूंट दूध के लिए तरसते थे और बेहोश होकर सड़क पर पड़े रहते थे। हालात ने पलटा खाया, इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए कुर्बानियां दी। फरमाते हैं कि एक जमाना आया रेशम के कपड़े से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला को नाक साफ किया करते थे। सहाबे किराम की यह हालत थी, एक चादर में दो दो सहाबा चिमट कर बैठते थे, कहीं सतरे औरत ना हो जाए, कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। और एक जमाना आया हजरत अनस रजी अल्लाह तआला के घर में गोल्ड इतना था, सोना इतना था, कुल्हाड़ी से उसको तोड़ा करते थे। कुर्बानियां भी सहाबे किराम ने, दुनिया की दौलतें इनके कदमों में आकर गिर गई, पड़ गई। ये औलियाए किराम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन और बुजुर्गान दीन देखने में फकीराना जिंदगी गुजारते हैं। सात जमीन सात आसमान के खजाने इनके कदमों पर आकर गिरे हुए मिलते हैं और गिरे हुए पड़े हुए रहते हैं। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली के अंदर मजार मुबारक है, वहीं पर उनकी खानकाह थी और जिक्र की मजलिस चला करती थी। अलाउद्दीन खलजी जो बादशाह था,
कई दिनों से एप्लीकेशन लगाता था, हम आपकी खानकाह देखना चाहते हैं। ये इतने बेपरवाह थे, बादशाहों को खातिर में नहीं लाते। इन्होंने अल्लाह की बादशाहत को देखा था, अल्लाह की ताकत को देखा था, अल्लाह की कुव्वत के जलवों को देखा था। जो अल्लाह की ताकत को देखे, अल्लाह की कुव्वत को देखे, ये बादशाह मिट्टी के पुतले लगते हैं। आज काउंसलर के पास खड़े होकर सेल्फी लेकर मुसलमान फख्र करता है, मिनिस्टरों के पास करीब होकर चमचा बनकर फख्र करता है। बादशाह तरसा करते थे इन फकीरों के दर पर आने के लिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जवाबन कहा, मेरे खानकाह के दो दरवाजे हैं, एक इन एक आउट, अगर तू इनके दरवाजे से आएगा मैं आउट के दरवाजे से निकल जाऊंगा। बहुत मन्नत की इस अमाजत की। तो उसके बाद हजरत ने इजाजत दी तो कहा, हजरत मैं आपका खानकाह घूमना फिरना चाहता हूं, अस्तबल देखना चाहता हूं। हजारों लोग तीन वक्त का खाना खाते हैं, रोटियां खाते हैं, कहां से ये सिस्टम बनता है? जब अस्तबल गए, नाल को जो पैरों में घोड़े के नाल मारी जा, उसकी मेखें चांदी की मेखें थी, और उन घोड़ों को जो बांधा गया था वो सोने की जंजीरों से बांधा गया था। अलाउद्दीन खलजी ने पर्ची लिखी, आप तो अल्लाह वाले हैं, सोने चांदी में आपका क्या लेना देना। हजरत ने उस पर्ची के उल्टे पेपर पर लिखा, सोना चांदी को आप सर का ताज बनाते हैं, और यही सोना चांदी हमारे जानवर के पैरों तले रोंदा जाता है। अल्लाह ने इनको नवाजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलो अन्न अहल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा। मोमिनीन अगर तकवे को अपनाएं, तंदस्ती नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी, जमीन और आसमान के दरवाजे अल्लाह तबारक ताला इनके लिए खोल देते हैं। अजमेर शरीफ के अंदर हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जो मुसाफिरीन खाया करते थे, दस्तरखान लगा करता था, और दुनिया की सबसे बड़ी देर होने का जो रिकॉर्ड है आज तक उसको कोई तोड़ नहीं सका। आज भी अभी भी आप चले जाएं निजाम, जहां औलिया किराम की मजारें हैं वहां पर लंगर है, और बेहतरीन किस्म का खाना और सुकूनत, गुसलखाने फी सबीलिल्लाह मुफ्त के अंदर वहां लंगर तकसीम किया जाता है। औलिया थे, अल्लाह वाले थे, आवाम अल्लाह वालों से जुड़ी हुई थी। अल्लाह ने जमीन और आसमान के खजानों को खोल दिया था। सहाबा किराम जहां हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला ने कुर्बानी की जिंदगी गुजारी, कुल्हाड़े से सोने को तोड़ा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला पेट पर पत्थर बांधा करते थे, अपनी नाक रेशम के कपड़े से भी साफ किया करते थे। जमीन और आसमान के खजाने अल्लाह तबारक ताला ने सहाबा किराम के कदमों के अंदर डाल दिए। ईरान हजरत उमर उल खत्ताब रजी अल्लाह ताला के जमाने में जब फतह हुआ, ईरान के बादशाह के दरबार के अंदर जो कीमती कालीन बिछी हुई थी, एक तो कालीन है जो नवाजियों के लिए बनाई जाती है, और एक कालीन है घर के बेडरूम में बनाई जाती है, और एक कालीन है वजू करने के बाद, मुंह धोने के बाद पापोश के लिए इस्तेमाल की जाती है। हजरत सैयदना उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब माले गनीमत आया, सहाबा किराम ने कहा, आपने मशवरा किया क्या करें इस कालीन को? सहाबा किराम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डाल दें। हजरत सैयदना उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, वो काफिर
وہ اللہ کے دشمن، وہ اسلام کے دشمن، وہ پیغمبر کے دشمن، بادشاہوں کے دربار کے قالین، میرے اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں نہیں آ سکتا. دنیا کا قیمتی ترین قالین تھا، اس کو کہا کہ وضو خانے کے بعد رکھو، لوگ پیر پوچھ کر آیا کریں گے. مسلمان میں تقویٰ تھا، طہارت تھی، اللہ کی ہر مخلوق مسلمان کی بات مانا کرتی تھی. نہ یہ اس بات کا ڈر تھا کہ مودی حکومت کر رہا ہے، بی جے پی آر ایس ایس والے یہ کر رہے ہیں. یہ زمین و آسمان کے بادشاہ تھے، جنگل کے جنگلی اور درندے اور حیوان ان کی بات سمجھا کرتے تھے. صحابہ کرام افریقہ کے جنگلوں کے اندر گئے، کہاں کوئی فائر نہیں کیا، کوئی تیر نہیں چلایا. آج مسلمان کہتا ہے ہمیں مارا جاتا ہے، ہماری خواتین کے نقاب کو چھینا جاتا ہے، عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے، مکانوں دکانوں کو جلایا جاتا ہے، مساجد کی بے عزتی کی جاتی ہے، مدارس پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، علماء حقانی ربانی کو گرفتار کیا جاتا ہے. اللہ کی جنگلی درندوں کی مخلوق کوئی فائر نہیں کیا، کوئی تیر نہیں چلایا اور کوئی ہنگامہ نہیں کیا. نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ بلند کیا، ہم قیصر و کسرا کے غلام نہیں، ہم دنیا کے پجاری نہیں، ہم چندرما دیو کو دیوتا نہیں مانتے، ہم اگنی کی پوجا نہیں کرتے. نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے غلام ہیں. اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور نبی کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں آئے ہیں. کاروبار کرنا، رشتہ لگانا، شادیاں کرنا، کھیتی باڑی کرنا، جنگل کو آبادی میں تبدیل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اگر تم اللہ کی مخلوق ہو تو یہاں تمہاری وجہ سے ہمیں پریشانی ہوگی، فرتحلوا، جنگل خالی کر دو. راوی بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہر جانور اپنے بچوں کو لے کر جنگل کو خالی کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کی وجہ سے بی جے پی آ گئی، گھوٹالا کر کے آ گئی. سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے دریائے نیل کے اندر جوش آتا تھا. شیطان کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مردود کیا، ملعون کیا، جا تیرے اوپر پھنکار ہے. بہت ہوشیار تھا شیطان، اللہ تبارک تعالیٰ سے پاور لے کر آ گیا. اللہ میں جو چاہے بنوں، میں سفلت بنوں، میں چوہا بنوں، میں بلی بنوں، میں کتا بنوں، میں جانور بنوں، میں کسی کی ماں بنوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا تجھے پاور دیا جاتا ہے، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو تو اپنا نہیں سکتا. علماء نے کہا اگر کوئی اللہ کو خواب میں دیکھے، ممکن ہے شیطان دھوکہ دے رہا ہو، لیکن اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ جن خدا نہ کرے اس حالت میں دیکھا کہ جنس پینٹ پہنے ہوئے تھے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے، سر پر ٹوپی نہیں تھی. علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتوسل بی، جس نے مجھے دیکھا، حقیقت میں مجھے دیکھا، شیطان میری شکل اپنا نہیں سکتا. اب رہی بات یہ ٹی شرٹ کیا ہے، یہ جینس پینٹ کیا ہے، یہ امامہ کیوں نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ شکل کے اندر دکھا کر اس کو کہہ رہے ہیں تیرے اندر لباس کی سنتیں نہیں ہیں، زندگی گزارنے کی سنتیں نہیں ہیں. جو چاہے شکل شیطان اپنا سکتا ہے، حلیہ اپنا سکتا ہے، تو دریائے نیل کے اندر وہ طوفان بپا کر سکتا ہے، تو قیامی اور سیلاب کی شکل لا سکتا ہے.
मिस्र के लोगों ने कहा यहां नील की एक देवी है, वो कुर्बानी मांगती है। साल में एक मर्तबा एक लड़की को बलि चढ़ाया जाता था, कुर्बान किया जाता था। सैयदना उमर अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला को आए, एक पर्ची लिखी, ऐ दरियाए नील, अल्लाह की बंदी है तू, अल्लाह के हुक्म से चलने वाली है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। लोगों के ईमान पर, लोगों के तौहीद के अकीदे पर डाका ना डालना, खबरदार। इस पर्ची के मिलने के बाद तो गियामी नहीं आनी चाहिए, सैलाब नहीं आनी चाहिए। मिस्र के जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग थे कहने लगे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने नैया डुबा दी, कश्ती डुबा दी, इतनी पर्ची समंदर में डालने से क्या काम हो जाएगा? लड़की को बलि दिया करते थे तो उसकी तुगयानी, उसकी सैलाब की शक्ल खत्म हो गई। हम अल्लाह क्यों माने, अल्लाह की माने, अल्लाह की इबादत करें। ये समंदर, ये पहाड़, ये जमीन, ये आसमान, ये जंगल के दरिंदे सब अल्लाह की कसम इंसान के ताबे हैं। तुम कहते हो हुकूमत बात नहीं मानती, एमएलए बात नहीं मानता, काउंसलर, अरे अल्लाह के होकर तो देखो, इलेक्शन वोटों से नहीं होता, इलेक्शन मुसलमानों के आमाल से अल्लाह तबारक ताला हुक्मरानों को बनाते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक जितने हुक्मरान जालिम आएंगे, उलमा ने कहा इतना खतरनाक हुक्मरान ना जमीन ने देखा ना आसमान ने देखा। कतल, लाखों मुसलमानों का कत्ल कर दिया उसने, ना ताबियों को छोड़ा ना औलिया को छोड़ा, सब पर जुल्म किया करता था। जब खलीफा बना, अमीरुल मोमिनीन बना, बादशाह बना, मिंबर पर चढ़े होकर खड़े होकर पहला खुतबा दिया, उसने कहा मेरी आंखें देख रही हैं तुम्हारे सरों की फसल अब पक चुकी है, फसल पक जाती है तो कटाई का वक्त आता है, तुम्हारी तुगयानी, अल्लाह की नाफरमानी, नबी की नाफरमानी, कुरान से दूरी, हदीस से दूरी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना से दूरी, ये तुम्हारी फसल तैयार हो चुकी है, संभल सको तो संभल जाओ वरना इस फसल को काट दिया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला मुसलमानों के आमाल के हिसाब से हुक्मरान को मुसल्लत फरमाते हैं। आमाल सही हो, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला को खलीफा बनते हैं, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, उमर बिन अब्दुल अजीज, ऐसे लोग खलीफा बनते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनते हैं। इनको दोष मत दो, मोदी सही नहीं, अमित शाह सही नहीं, आरएसएस सही नहीं, फसल तुमने कांटों की लगाई और कहते हो कि पेड़ पर आम नहीं आ रहा है, दिमाग खराब है, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने डस लिया, चेहरे यहूद और नसारा के, शादियां के अंदर शादी कम जिना ज्यादा, बूढ़ी जवान औरतें मेकअप कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिना आंखों का भी होता है, हाथों का होता है, कानों का होता है, दिल का होता है, दिमाग का होता है। फसल डाली जहन्नम के लहू की, जहन्नम के पीप की, खियानत की, बददियानती की, दाढ़ी मुंडाने की, नमाज को छोड़ने की, बेपर्दगी की, और सूद खाकर मां का कफन निकालकर, मां की साड़ी बाड़ी निकालकर 36 मरतबा जिना करने के, और कहते हो बदर की मदद क्यों नहीं आती? ये मुंह मसूर की दाल, फजर में तुम्हारी गली में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? अस्सलाम तो खैरो मिनन्नौम, ये इलेक्शन एक बहाना है। मुसलमानों के आमाल सही थे, समंदर पर घोड़े दौड़ाए, डूबता सूरज उग गया,
एक मोदी को नहीं रोक पा रहे हो, एक आरएसएस को रोक नहीं पा रहे हो। हजरत अली करम अल्लाह वजह जिहाद में थे, इतने मसरूफ हुए, असर की नमाज कज़ा होने का वक्त आ गया, सूरज को खिताब कर कहा, मैं अपनी हवस अपनी ख्वाहिश के लिए ये जंग नहीं लड़ा, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए मैंने जंग लड़ी है, जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं की, अगर असर की नमाज कज़ा हो जाएगी क्या मुंह लेकर अल्लाह के पास जाऊंगा। डूबता सूरज रुक गया। तुम कहते हो निकाब को नोचा जाता है, गुजरात बनाया जाता है, मुजफ्फरनगर बनाया जाता है, अफ्रीका के जंगल की जुबान कौन कौन सी कॉलेज है जहां जानवरों की बोली सिखाई जाती हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी तालीम का है। पहाड़ हरकत करने लगा, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर अल खत्ताब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान गनी और दीगर सहाबा थे, सहाबा की जलालत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमत से पहाड़ हरकत करने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर पंजा मारा और मारकर कहा, अय पहाड़ अपनी हरकत को बंद कर दे, तेरे ऊपर एक पैगंबर, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। हवाला दिया, पहाड़ की हरकत खत्म हो गई। बनू इसराइल का वाकया सुनाना आपने, तीन आदमी सफर कर रहे थे, बरसात आ गई, तूफान आ गया, घर के अंदर बना ली, ऊपर से पानी आया, एक चट्टान पहाड़ घर के मुंह को बंद कर दिया। अब कौन सा क्रेन, कौन सा व्हाट्सएप, कौन सा मोबाइल, कौन सी चैटिंग, कौन सा फेसबुक, कौन सा ट्विटर, घर के वो तो तन्हा जा रहे थे। तीनों ने कहा, अल्लाह मैंने मां की फरमाबरदारी की, बीवी बच्चे भूख से तड़पते थे, जब तक मां को दूध नहीं पिलाता खाना नहीं खिलाता मैं सोया नहीं करता था। दूसरे ने कहा, मैं मुख्तसर कह रहा हूं, अल्लाह लड़की पर मैंने काबू पा लिया था, आज साड़ी के जमाने के अंदर लड़की जिससे मैं मोहब्बत किया करता था गल्ला अनाज दाना लेने के लिए आई, मैंने कहा कमरे को बंद कर दे, खिड़की को बंद कर दे, जो मांग रही है उससे ज्यादा गल्ला अनाज दूंगा, मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दे। उसके बाद लड़की कप 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 कांपने लगी, इसने पूछा क्यों क्या बात है, खिड़कियां तो बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए, एक सूरा मेरे हाथ से बंद नहीं हो रहा है, आप बंद कर दीजिए। उसने कहा कौन सा सूरा, अल्लाह के देखने का, अल्लाह के सुनने का। उस बेचारी लड़की के दिल से, तकवा तहारत वाली लड़की के दिल से अल्लाह का नाम आया, तो ये जिना करने का ख्वाहिशमंद कप 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 कांपने लगा, तकवा तारी हुआ, गल्ला अनाज दिया और कहा मेरी बहन मुझसे गलती हो गई, तो अपने घर को गल्ला अनाज लेकर चला जा, अल्लाह मैंने उस लड़की पर तन्हाई पर काबू पाया था, चाहता तो मैं जिना कर सकता था, तेरी रजा के लिए जिना से बचा हूं, तो इस घर के मुंह को और खोल दे। दो हिस्सा खुल गया। तीसरे ने कहा, एक साहब सफर में गए और जाने से पहले बकरियां लेकर गए, जब आए 100 बकरियों के 150 बकरियां वापस की, मालिक ने कहा मैंने 100 ही तो दी थी। उसने कहा इन्होंने बच्चे डाले, ये भी तेरी अमानत है, अल्लाह मैं चाहता तो खियानत कर सकता था। वो गार का मुंह पूरी तरीके से खुल गया। आज क्या है, हिंदुस्तान, यूपी और जहां जहां इस्लाम मुखालिफ हुकूमतें हैं, क्या पेश कर आप अल्लाह से ये कह सकते हैं अल्लाह इस अमल के बदले इस फितने से हमारी हिफाजत करवा ले। आसाम में क्या हुआ, कौन, मैंने कहा कि मुसलमानों के आमाल ये जिम्मेदार है, शराब वो भी पीता है उसको हराम नहीं है, जिना वो भी करता है हराम नहीं है, सूद वो भी लेता है उसके लिए हराम नहीं है, तू अल्लाह की कालिज
और नबी की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया है, हलाल को हलाल मानना पड़ेगा, हराम को हराम मानना पड़ेगा। जो हालतें आई है तेरे आमाल की नहुसत से आई है। एक नमाज छोड़ने पर गली के कुत्ते, गली के सूअर, आसमान के परिंदे और जंगल के दरिंदे और समंदर की मखलूक उस पर थू थू करती है, लानत भेजती है और अल्लाह से कहती है, ऐ अल्लाह हमें खिंजीर बनाया, कुत्ता बनाया, दरिंदा बनाया, जानवर बनाया, लेकिन बेनमाजी को नहीं बनाया। हजरत सैयदुना ईसा अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम सफर करके जा रहे थे। इलेक्शन कोई चीज है ही नहीं है। मुसलमान अच्छे आमाल करें, कलाम पाक की तिलावत करें, हलाल और हराम की तमीज करें, उलमा की इज्जत करें, सुन्नतों के ऊपर चलें। खुदा की कसम एग्जिट पोल जो आता है इलेक्शन से पहले हम बता देंगे, फुला पार्टी और फुला जमात, फुला तंजीम हुक्मरान होगी। अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर रहम और करम को डालेगा। और मुसलमानों के आमाल अगर खराब है तो फिर ये तय है अल्लाह ऐसे बादशाहों को मुसल्लत करेंगे जिनके दिलों के अंदर नरमी और जिनके दिलों के अंदर मोहब्बत और जिनके दिलों के अंदर भाईचारगी का नामो निशान नहीं होगा। आप सिलेक्शन करने वाले हैं कौन हुकूमत चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। जिना करने वाले, शराब पीने वाला मुसलमान, नमाज को छोड़ने वाला, औरतों को बेपर्दगी में रखने वाला, घर को होम थिएटर बनाने वाला, मौसीकी को इस्तेमाल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद खाने वाला, क्या इसके ऊपर बदर की मदद आएगी? हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम सफर करके जा रहे थे, रास्ते में गांव आया, सरसब्ज व शादाब, खुशहाल, नदियां रवा दबा है, मीठा पानी बह रहा है, उसको इस्तेमाल किया, आप चले गए। वापसी में जब आए तो आपने याद किया कि यहां तो मीठे पानी की नदियां हैं, इनको इस्तेमाल करें। चुनाचे देखा तो वहां गांव का नामो निशान नहीं था, हरियाली का नामो निशान नहीं था, बहती मीठे पानी की नदियों का नामो निशान नहीं था। ईसा अलैहि सलाम दुआ करने लगे, अल्लाह क्या मैं मकाम भूल गया हूं, दूसरे मकाम पर आ गया हूं? अल्लाह ताला ने वही की, अरे ईसा यहां तुम्हारे जाने के बाद ये काफिला सफर कर रहा था, उनमें 10-20 आदमी थे, एक आदमी बेनमाजी था, उसको प्यास लगी, सोच लगी और उसने बहती नदी के अंदर हाथ डालकर पानी पिया, वो बेनमाजी की नहुसत से नदी सूख गई। जब नदी नाले सूख गए, सरसब्ज व शादाबी और जंगल की हरियाली सब खत्म हो गई। एक मरतबा बहती नदी के अंदर हाथ डालने से नदी का पानी खुश्क हो गया। बाबा दाढ़ी मुड़ा, सूदखोर, हरामखोर और गली का कोई कुत्ती सुवर्णी इसके निकाह से, इसके आंखों से जिना करने से बचकर नहीं, पड़ोसियों को टांग झांक कर देखे, गली के अंदर देखे, कॉलेज जाने वाली बच्चियों को देखे, शादी में बदसर कर जाने वाली बहू बेटियों को देखे, औरत बेपर्दा सुबह सवेरे यासीन की आवाज के बजाय टीवी चलती है, गाने चलते हैं, मौसीकी चलती है, माँ भी बेनमाजी, बाप भी बेनमाजी, मर्द बच्चे भी बेनमाजी, बहू बेटियां भी बेनमाजी, एक बेनमाजी से पूरा गांव तबाह बर्बाद हो गया तो एक घर के अंदर इतने बेनमाजी से क्या होगा। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने कब्रिस्तान के मुर्दों पर अगर रहम करना हो तो बेनमाजी को उस कब्रिस्तान में दफन मत करो, उसकी नहुसत से दूसरे मुर्दों को तकलीफ होती है। अब क्या बाकी है हुकूमत के बनाने में? अल्लाह को नाराज कर हुक्मरानों को कितना भी चापलूसी कर लो,
उनका इस्तंजा पेशाब लेकर जिस्म में बन लो, गुस्ल कर लो, अल्लाह की नाराजगी के साथ इत्मीनान और सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरी आयतों से, मेरे महबूब के तरीकों से एराज करेगा, रास्ता बदल कर चलेगा, मैं उसकी जिंदगी को तंग करके रख दूंगा। लाखों रुपया इनकम कर लो, किडनी में इतना पत्थर दे दिया, लड़की चमारों के साथ, गैरों के साथ भाग कर कुफ्र के गुस्से से अपने पेट को भर लिया, हमल करार पा गया, तू ताजमहल का मालिक हो, लाल किले का मालिक हो, कानून के खजाने का मालिक हो, बच्ची की सोचेगा जहन्नम में चलने से बदतर जिंदगी गुजारेगा। लड़का गैर के साथ भाग गया, पूरे खानदान के अंदर नाक कट गई, ना उसकी मां किसी शादी में जा सकती है, ना उसका बाप किसी महफिल के अंदर जा सकता है। लोग कहेंगे क्या हुआ तुम्हारे बेटे का, चवारनी के साथ टोटी का काम करने वाली, गटर के अंदर उतरकर पाखाना साफ करने वाली, उसके साथ तुम्हारा बेटा भाग गया। बन आरदा दिकरी, पैसा सब कुछ नहीं होता, ओहदे सब कुछ नहीं होते, वलिल्लाही इज्जत वली रसूलिही वली मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। पैसों से इज्जत नहीं है, ओहदों से इज्जत नहीं है, दौलत से इज्जत नहीं है, बंगलों से इज्जत नहीं है, वलिल्लाही इज्जत वली रसूलिही, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, और इन दोनों की मानने वाले के लिए है। अल्लाह ने जब कह दिया आ ही नहीं सकता। लोग समझते हैं गुनाह करें कब्र में जाकर अजाब मिलेगा, महशर में जाकर अजाब मिलेगा, जहन्नुम में जाकर अजाब मिलेगा। गुनाह ढूंढ कर आपको पकड़कर अल्लाह का अजाब दिलवाता है। तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ कर दिया, यह अलग मामला है। वमन यामल मिसकाला जर्रतिन खैरन यरा, वमन यामल मिसकाला जर्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर भी अगर गुनाह करोगे वो गुनाह पीछा करेगा इस गुनहगार का। लोग समझते हैं जो होगा कब्र में देखा जाएगा, जो होगा आखिरत में देखा जाएगा। हाँ हाँ, पता लगेगा जब कब्र के अंदर डालकर रिश्तेदार दोस्त अहबाब मिन्हा खलकनाकुम के ढेले डालकर आएंगे, मुनकर नकीर आएगा, अजदा आएगा, सांप आएगा, बिच्छू आएगा, ये मजाक नहीं है, ये ड्रामा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कब्र के मुर्दे की आवाज जिंदों को सुनाई दे, वो शादी ब्याह को छोड़ देंगे, वो जिंदगी को आबादियों को छोड़कर पहाड़ के घरों के अंदर चले जाएंगे। ये बात तुझे आज समझ में नहीं आ रही है, हदीसे पाक की वो कौन सी किताब है जिसके अंदर अजाब कब्र का तज़किरा ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ दाढ़ी मुड़े अभी तेरी मोहलत है, बेनमाजी अभी तेरे पास कुछ वक्त बाकी है, वो जमीन हड़पने वाले, वो भाइयों बहनों का हक खाने वाले, वो बीवी को सताने वाले, वो दहेज लेने वाले, वो नमाज का छोड़ने वाला कुत्ता सुवर से बदतर मखलूक, वो सूद खाकर मां का 36 मरतबा बलात्कार करने वाले, वो हराम का माल खाकर पेट के अंदर जहन्नम का लहू और पी पीने वाले, आज तुझे अजाब कब्र समझ में नहीं आएगा। जब मिट्टी के हवाले कर तेरे रिश्तेदार, तेरी औलाद, तेरे बेटे, तेरे भाई, तेरे दोस्त अहबाब मीना कलकनाक उनके ढेले देकर आएंगे, और अल्लाह तबारक ताला कबर को दबाएगा, अजदा मुसल्लत करेगा, वो अजदा जमीन के अंदर एक पुकार मार दे, सात जमीन सात आसमान की मखलूक खत्म हो जाती है। आज तुझे समझ में नहीं आएगा, कल कबर में मौलवी की बात
नबी की बात याद आएगी, कुरान की बात याद आएगी। अभी वक्त है, मैं बोल रहा हूँ, तू सुन सकता है सुन ले। कल शायद हिंदुस्तान के अंदर दावत और तबलीग के दरवाजे बंद हो सकते हैं। मुसलमानों का इकट्ठा होकर बैठकर दीन की बात करना कराना ये खत्म हो सकता है। स्पेन के अंदर 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, पूर्व गफलत के अंदर पड़ा हुआ है। उन्हों दिल्ली दूरस जब अंग्रेजों ने मुल्क पर हमला किया और मुस्लिम हुक्मरान इस मुल्क के अंदर हुकूमत किया करते थे, उनको कहा जाता ऐ मुगलिया बादशाह, ऐ कबूतर उड़ाने वाले, ऐ फास्ता का खेल खेलने वाले, ऐ भूल भुलैया बनाने वाले, ऐ जोरू की याद के अंदर ताजमहल बनाने वाले दिल्ली के करीब आ रहे हैं। तो ये लोग हुकुमरान कहते उन्हों दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। हमने कहा तुमने माना नहीं, तलाक की बात आ गई, शादी की उम्र की बात आ गई, कश्मीर के 370 की बात आ गई, और उमरा और हज के अंदर जीएसटी और सब्सिडी और महरम के खत्म करने की बात आ गई, औरत के पर्दे की बात आ गई। कल ये कहा जाएगा कि जानवर गाय ना सही दूसरा जानवर भी नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजमत के अंदर दाढ़ी नहीं रखी जा सकती। बहुत तेजी के साथ जिस दिन के अखबार के अंदर कोई बुरी खबर ना हो वह अखबार ही बेकार हो जाता है। मदरसों पर बुलडोजर की बात आएगी, आज सुन रहा है सुन ले, कल कोई तेरे पास हदीस लाने वाला खुदा ना करे ना हो, नबी की बात बताने वाला ना हो। एक जमीत उलमा के मुबल्लिग इस बैन गए हुए थे, और जब असर की नमाज का वक्त आया दूर दराज तक वो इस बैन जहां जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, इसी तरीके से स्पेन के अंदर 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। वो जमीयत उलमा के मुबल्लिग कहते हैं असर की नमाज के बाद हम तलाश करने लगे कि कहीं नमाज के लिए मस्जिद मिल जाए, इबादत खाना मिल जाए। स्पेन की जामिया कुर्तुबा जिसको देखकर सऊदी हुक्मरानों ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे जामिया कुर्तुबा की मस्जिद से बेहतर कोई मस्जिद नहीं थी। आज दो रकात असर की नमाज पढ़ने के लिए तलाश किया जा रहा है। बाद मुबल्लिग कहते हैं हमने कार को किनारे लगाया, फुटपाथ के ऊपर हमने वजू किया या तयम्मुम किया, एक आदमी इमाम बना और दो आदमी मुक्तदी बने। हमने नमाज अदा की, सैकड़ों आदमी आयो इसमें 800 साल तक जहां मुसलमानों ने हुकूमत की, मुसलमानों ने उलमा को दिया, उफ्तास को दिया, मुफ्तियान को दिया, साइंसदानों को दिया, प्रोफेसर को दिया, लायर को दिया, एडवोकेट को दिया, अमन दिया, अदल दिया, इंसाफ दिया। उस धरती पर दो रकात नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, फुटपाथ पर नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद सैकड़ों लोग जमा हो गए, कहा ये क्या किया तुमने, कहा कि हमने असर की नमाज पढ़ी है। अच्छा असर की नमाज भी होती है तो ना सलाम ना सलाम का जवाब, सीने से सीने को लगाकर औ औ औ कहने लगे, अहलम व सहला व मरहबा उसका शॉर्टकट उन्होंने वो कर दिया। तुमने कहा जब गाय का मसला आया अभी दिल्ली दूर है, पर्दे का मसला आया अभी दिल्ली दूर है, 370 का मसला आया अभी दिल्ली दूर है, तलाक का मसला आया अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली के इलाके के अंदर 16 मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात आई अभी दिल्ली दूर है, बाबरी मस्जिद को शहादत का मसला आया अभी दिल्ली दूर है। अब ये दिल्ली की दूरी खत्म हो चुकी है, खुदा जाने कल क्या मसाजिद के साथ मदारिस के साथ मकातिब के साथ स्पेन के लोग भी 800 साल हुकूमत के घमंड में थे,
तकब्बुर में थे, हमें कोई जमीन के अंदर मिटाने वाला नहीं। कौम समूद कौम आद यही कहती थी, मन हुआ अशद मिन्ना कुव्वा, हमारे जैसा कोई धरती पर नहीं है। अल्लाह ने भी कहा अल्लज़ी लम युख्लक मिस्लुहा फिल बिलाद, इस धरती पर ऐसी मखलूक को हमने पैदा ही नहीं किया। कौम आद का हशर क्या हुआ, कौम समूद का हशर क्या हुआ, तुम सलीमा के लिए टाइम दे सकते हो, शुक्राने के लिए दे सकते हो, वलीमे के लिए दे सकते हो, पापी पेट के सवाल ये कुत्ते सुवर के पेट के अंदर चिकन बिरयानी को भरने के लिए टाइम दे सकते हो। हय्याल सलाह 1400 साल से बिलाल का नायब चीखता आया है, हय्याल फलाह अबू महजूरा का नायब 1400 साल से चीखता आया है। फिल्म की लैंग्वेज, दुनियादारों की लैंग्वेज, पुलिस की लैंग्वेज, सिनेमा ड्रामे की लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ गई। तुम्हारी पैदाइश के बाद जो कान के हय्याल सलाह कहा गया वह आज तक समझ में नहीं आया। चलो अल्लाह ढील दे रहा है, अल्लाह की पकड़ आएगी। कारून, शद्दाद, नमरूद, फिरौन, हामान, अबू जहल, उजवा, शीबा, अबू जहल, कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का, यहूद, नसारा, खैबर के अंदर इनका और उहद के अंदर, बदर के अंदर क्या अंजाम हुआ, वो अल्लाह हमें कभी भी पकड़ लेता। हमारी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों से है, उसके सट्टे में बचे हुए हैं। हमने पिछले जुमा सवाल रखा था, हदीस में आता है आलिम नींद करता है, आलिम सोता है, इशराक के बाद सोया, रात में सोया या कैदुल्लाह के लिए, वो इबादत में लिखा जाता है। गैर आलिम वो सोए वो इबादत में नहीं लिखा जाता। एक साहब हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहा ये कैसा इंसाफ है, कलीमा उन्होंने भी पढ़ रखा, हमने भी पढ़ रखा, नबी की सुन्नत पर वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, उनका सोना इबादत है, स्लीपिंग करना इबादत है और हमारा सोना इबादत नहीं। ये तो वजह समझ में आती है आलिम होने की वजह से, लेकिन अल्लाह वाले क्या हकीमाना जवाब देते हैं। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा भाई तुम काम क्या करते हो, कहा कि अजी हम तो मकान बनाते हैं, प्लाट बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं। काम वालों को रखते हो, कहा कि रखते हैं। कहा अच्छा काम वाले कब आते हैं कब जाते हैं, अजी सुबह में 9 बजे आते हैं और सूरज गुरूब होने के बाद चले जाते हैं। कहा इस दरमियान वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इस्तंजा जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। कहा के खाते भी हैं, पीते भी हैं, टॉयलेट भी जाते हैं, इस्तंजा खाना भी जाते हैं। कहा के तुम उनका पैसा खत्म वजा करते हो, काटते हो कि इतने मिनट तुम टॉयलेट में लगाए, 10 मिनट, 10 मिनट की पगार नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, खाने का पैसा नहीं मिलेगा, नहीं जी उसका क्या लगाना। तो ऐसे ही आलिम की पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लम की दावत और तबलीग में सर्व होती है, उसका सोना, उसका खाना, उसका जगना, हर चीज इबादत है। और बहुत सारे अहम उनवानात हैं जो रह गए हैं, अगली जुमा इंशाल्लाह रेलवे गेट के पास चूंकि महीने का पहला जुमा होता है, इस सवाल के जवाब के साथ। अच्छा अभी जो है रमजान मुबारक आने वाला है, रुयत हिलाल का मसला अब साइंस ने बहुत हद तक हल कर दिया है। आज से 100 साल पहले कब तूफान आया था, सूरज ग्रहण कब हुआ था, चांद ग्रहण कब हुआ था, कौन सा सितारा कब टूटा था, आज के 500 साल बाद कब ग्रहण लगेगा, चांद को कब लगेगा, सूरज को कब लगेगा, उड़ीसा के समंदर में अगर तूफान आया वो मद्रास को कब टच करेगा, बेंगलोर में उसके बताते नहीं बताते। एक प्लेट जब टेक ऑफ होती है तो जिद्दा को जाने से पहले पायलट और कैबिन क्रू ऐलान करता है हमारा ये सफर 4 घंटे 2 मिनट पर होगा, दिल्ली 2 घंटे 10 मिनट, बराबर उसी हिसाब से वो, चूंकि इसी तरीके से जब साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी चांद के बारे में बहुत लड़ाइयां होती थी। चांद मतला में जो आता है वो अल्लाह की मर्जी अल्लाह के हुक्म से आता है, ऐसा हो नहीं सकता हफ्ते के दिन जुमा के दिन चांद 2 डिग्री पर आता है हिंदुस्तान के अंदर,
चांद को 9 डिग्री के ऊपर जब किसी मतला में आता है तो चांद की रूहियत यकीनी है। 9 डिग्री में बहुत मुश्किल से कभी नजर आया, कभी नहीं। 10 डिग्री और उसके ऊपर 13, 14, 15 आराम से चांद नजर आता है। तो चांद जिसे सूरज की रफ्तार है, कल का सुबह सादिक, कल का तुलुई आफ्ताब, कल का गुरूब आफ्ताब, कल के जवाल और 30 साल बाद कब सूरज निकल, सब बात ऐसे ही चांद की भी रफ्तार है। वो घटता बढ़ता नहीं, पेट में हल्लू चला, दौड़ में स्पीड आया, वो अपनी वल हमारा कद्दरना हो बना जिला हत्ता आधा कल उर्जूनी बदीन अल्लाह कहते हैं। तो चांद नहीं होकर दुनिया की कोई ताकत जुमा की रात को 2 डिग्री रहता है कहीं दुनिया की कोई ताकत देख नहीं सकती। चांद हफ्ते की रात 10 डिग्री 11-12 डिग्री आता है, वो उसमें वो नजर आता है। ऐसा हो सकता है कि चांद आए और लोग ना देख सके, कर्फ्यू लग गया, धूल की आंधी चलने लगी, बादल की तारीकी आकर मुसलमानों की रूहियत नहीं हुई, ये हो सकता है। लेकिन चांद 8 या 9 डिग्री के अंदर हो और कोई कहे कि हमने रूहियत हिलाल देख लिया है, ये हो ही नहीं सकता। हम जुमा की रात 2 डिग्री पर आता है, दुनिया की कोई ताकत देख नहीं सकती। और हफ्ते की रात 14 डिग्री आता है, 100% रूहियत होगी। हफ्ते की रात तरावी पड़ी जाएगी और इतवार का पहला रोजा रखा जाएगा। अगला ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जरा सा आज लोग YouTube का इस्तेमाल, नेट का इस्तेमाल गंदी चीजों के लिए किया करते हैं। आप मौलाना समीरुद्दीन कासमी माहिरे फलकियात हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, दारुल देवबंद के वो फारिग हैं। उन्होंने ये बताया इतनी डिग्री हो तो इतनी डिग्री को होकर रूयत ना हो, जैसे कि मैंने कहा कि धूल की आंधी चली, बादल छा गया, फिर हुम्मा अलैकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादल अगर छा जाए तो तुम 30 की तादाद को पूरा करो। तो ऐसा तो हो सकता है आकर नजर ना आए, लेकिन जब 9 डिग्री के अंदर आए दुनिया की कोई आंख उसको देख नहीं सकती। अगले हफ्ते इस सवाल का बड़ा अहम जवाब है, कितनी बीवियां कारिंदों की कातिल हैं आपको मालूम? मारने के लिए जहर देना, मारने के लिए तलवार और राइफल और गोली का नहीं, कई जैसे इमाम, ये अगली जुम्मा भी कहूंगा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से साहब ने कहा जो हासिब था हजरत का दुश्मन था, हजरत तुम्हारी अम्मा से निकाह करना चाहता, हजरत गुस्से में आग बहुत, ये बद्दुआ होती है मुंह से दी जाती, अल्लाह इसे गारत करे, अल्लाह इसको नेस्त व नाबूद करे, और एक बद्दुआ दिल के जलने से अल्लाह के अर्श तक उसका धुआं जाता है। अल्लाह ताला के साथ मामलात में सबसे बड़ा मामला नेकी यह होती है, अल्लाह खिदमत गुजार दिलो जान को रूह को तस्कीन पहुंचाने वाली बीवी अल्लाह देता है। घर में उसके असरात मालूम होते हैं, हजारों बीवियां मॉडर्न शोहरों के कातिल हैं। हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किसी को कहा तेरी अम्मा से निकाह करेंगे, दिल को कितना कुछ नहीं कहा, ये कहा मेरी अम्मा आकिला है, बालिगा है, बेवा है, मैं पूछूंगा। हजरत पर्दे के पीछे गए और जाकर आए तो देखा कि वो आदमी लुढ़क कर मर चुका है, और हजरत ने कहा कतलहु सबरी, मेरे सबर ने, मेरे दिल की जलन ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो 70 पर 3 साल के बूढ़े मियां पड़ोस मुल्क के अंदर रक्षा चला रहे थे, वो रक्षे के अंदर जो सामने मिरर आता है उसमें पैसेंजर बैठा हुआ पिछले नजर आता है, 16 साल या 17 साल की बच्ची थी, वो आईना दुरुस्त कर रहे थे, उसने चीख मारनी शुरू कर दी कि ड्राइवर देखने में बारिश है, 70 पर 3 साल है, दादा की उम्र है, और मिरर सही कर बुरी नीयत कर रहा है। लोगों ने उस 73 साल के बूढ़े को मारा पीटा, इस उम्र में तेरी नवासी और तेरी पड़पोतरी की उम्र है और तू इस रुलियर के अंदर इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर तू ये काम कर रहा है। पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने उसको जेल में भेज दिया। जेल में एक साहब बड़ी तशवीश के अंदर थे, नौजवान अगर मोहब्बत इश्क की बात करे, लड़की को छेड़े, बात समझ में आती है,
ये 70 पर 3 साल के बुजुर्ग इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वाले इनको क्या हो गया। वो बड़ी मुश्किल से सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेकर मुलाकात के लिए गए, इंटरव्यू के लिए गए। वो 73 साल के बुजुर्ग बूढ़े ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि मैं जेल आ गया। क्यों उन्होंने ये बात कही? जेल में जाना कोई अच्छी बात है? इस उम्र में तोहमत का लगना अच्छी बात है? उसके पीछे वही बात है, खामोश बददुआ की, खामोश कत्ल की। और किस तरीके से जालिम, कोई जरूरी नहीं कि काबिल बीवी को मारे, बीवी काबिल को मारे, बहू सास को मारे, सास बहू को मारे। आलात कत्ल ही हो, तलवार हो, नेजा हो, दिल की खामोशी और सब्र के इम्तहान और बर्दाश्त की कुव्वत किसी को तबाह बर्बाद कर देती है। बहुत अजीब गरीब वाकिया है, और भी बहुत सारे अहम मानात हैं। इंशाल्लाह अगली जुमा 1:30 बजे वहां पर बयान होगा, आप तशरीफ लाइएगा। अजवा खजूर रमजान मुबारक में इफ्तारी वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहादीस में उसकी तारीफ की गई है, आप उसको इस तरह ले लीजिए, उसका फायदा होगा। हलाल साबुन अरब गुलाम शहर और तहदीद दावा एक मदरसे के ताबुन के लिए है। अल्लाह तबारक ताला आने वाले फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। और फितनों के जमाने में मुसलमान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अहादीस क्या कहती है? अहादीस बंद कमरे में कंबल के अंदर जुरू मरज सोए क्या उसके आदाब है बताते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तूफान, सैलाब, सुनामी की शक्ल के अंदर आज एजुकेशन की लाइन से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमान क्या दुआ करे और इन फितनों से कैसे बचे, इन अहम तरीन मुमारात के साथ अगली जुमा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह तबारक ताला इम्तहान और फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए, ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमाए, अल्लाह ईमान पर खातिबा नसीब फरमाए। आमीन वा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।